अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई चिकन। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है 1.25 किलो चिकन, जिसे मैंने वॉश करके रख लिया है, और ये मोटी वाली मिर्ची है 5 से 6, 3 हरी मिर्ची है जिसे मैंने स्लिट कर लिया है, कुछ अदरक के जूलियंस हैं, और गार्निशिंग के लिए मैंने हरी धनिया ले लिया है, दही 100 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 चम्मच, सॉल्ट आपके जायके के हिसाब से, टमाटर मैंने 4 ले लिया है, इसके छिलके निकाल के मैंने इसे 4 टुकड़ों में काट कर लिया है। सूखे मसाले में मेरे पास धनिया के दाने हैं, ज़ीरा है और काली मिर्च है। ज़ीरा 1 चम्मच है, धनिया दाना 2 चम्मच है, और ये काली मिर्च 1 चम्मच है। इसे मैंने हल्का से तावे पे सेक लिया है और उसको इस तरीके से ज़रा सा पीस लिया है, और मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्ची थी तो मैंने आधी चम्मच उसका इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से मिर्ची ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब मैं इसका बनाने का तरीका बताती हूँ। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, भर के मैंने 4 चम्मच के करीब लिया, इसमें ऑयल ज़्यादा होता है। अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा और चिकन को और थोड़ा सा भूनना है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। चिकन का जब तक कलर थोड़ा और अच्छे से चेंज ना हो जाए तब तक हमें इसे ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है नमक डालने के बाद। इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी। और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे ढक्कन लगाकर स्लो पे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। मीडियम आंच रखना है, ज़्यादा स्लो नहीं। मैंने आंच को मीडियम कर दिया और इसे मैं ढक रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं ढक्कन हटा रही हूँ। गैस तेज था, मैंने अब भी जस्ट इसको ढक्कन उठाने से पहले स्लो किया। अब इसमें हमने डालना है, इसमें मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ स्लिट की हुई, और ये टमाटर डाल रही हूँ। हरी मिर्ची और टमाटर मैंने डाल दिया। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इसका गैस को तेज़ करके मैं फिर से ढक्कन लगा रही हूँ। दो मिनट हो गया ढक्कन ढककर, मुझे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब मुझे टमाटर को अच्छी तरीके से दबा दबा के इसे मार मार के गलाना है। टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से गल जाए। गैस मैंने हम मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। टमाटर अभी थोड़े से कड़क और हैं, तो इसे सॉफ्ट करने के लिए मैं वापस ढक्कन लगा रही हूँ। इसे वापस ढक्कन लगाती हूँ मैं, और गैस की आंच मीडियम है। मैंने ढक्कन लगा दिया और आंच को मैंने मीडियम कर दिया है। ढक्कन मैंने हटा दिया और अब देखती हूँ मैं टमाटर गले हैं या नहीं। एक्चुअली इसमें लैग पीस नहीं होता, अगर आप नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, पर मैंने इस्तेमाल किया है।
टमाटर को हमने अच्छे से इस तरीके से गला लेना है। और अब मैं इसमें दही डालूंगी। मैंने दही डाल लिया, दही मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने दही लिया है 100 ग्राम्स। अच्छे से डाल दूँ सारी दही। मिक्स कर रही हूँ। दही डालने के बाद अब अच्छे से मिक्स कर लें। दही अच्छे से मिल गई है। अगर टमाटर के थोड़े बहुत ऐसे टुकड़े भी होंगे तो आप इसे इस तरीके से मार मार के गला लें, नहीं तो इसे निकाल के फेंक भी सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी जलने तक मैं रुकती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। टमाटर मैंने मार के सारे गला लिए हैं और जो थोड़े टुकड़े थे वो मैंने निकाल लिया। और इसमें मैं जो मसाला मैंने क्रश करके रखा था वो डाल रही हूँ। और अच्छे से मिक्स कर दूँ। गैस तेज ही है। इसमें मैं बारीक कटे हुए अदरक के जुलियंस डाल रही हूँ और ये मोटी वाली मिर्चें डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और आँच मैंने बिल्कुल तेज़ रखा है, इसे अच्छे से भून रही हूँ। अब मैं इसका ढक्कन लगा रही हूँ। और आँच को मीडियम कर रही हूँ। 4 मिनट के करीब हो गए हैं इसे मीडियम आँच पे रख के। अब मैं ढक्कन हटा रही हूँ। मिर्ची को हमने गलाना नहीं है, सिर्फ सारा फ्लेवर मिर्ची में आ जाए। और ये देखिए, ये ऑलमोस्ट पूरा डन है। बस अच्छे से इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। तैयार है बनके ये। ये रेडी है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल कर आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। ये रेडी हो गया बनके और मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। और इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। हरा धनिया ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसे मत डालें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।